मिलिए इनसे, जोशी परिवार देहरादून वाले। उतर भी जाओ पापा। अरे गाड़ी तो रुक जाने दे बेटा। ये हैं कवि उमेश जोशी और उनकी बेटर हाफ प्रिंसिपल सरला जोशी। हिसाब ये रखती है, किताब ये लिखते हैं, और ये इनके दो औलाद, एक जीनियस तो एक खोटा फौलाद, जो 25 साल बाद पूरी करने निकले अपनी मन्नत, यानी अपना ड्रीम होम। क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली का यही कहना है कि एक दिन अपने खुद के सपनों के मकान में हमें रहना है। नए घर में बहुत बड़ा स्टडी रूम होना जरूरी है। अल्लाह जी सत्य वचन। तो ये है आपके घर का नक्शा। इस नक्शे में मेरा सेपरेट बाथरूम तो है ही नहीं। और मुझे दिन एक ही टेबल पे मेरे लिए लिखना, इनके लिए पढ़ना, मतलब नए घर में भी होगा रोज रोज लड़ना। वाह कविराज। सपने होंगे अनेक, बट सपनों का ड्रीम होम सिर्फ एक। पंडित जी, ये मशीन कौन बंद किया बे? परमिट के बिना मशीन चलाने का लगेगा 3 गुना लगान। घर बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 महीने। तेरा नक्शा कैसे बनेगा जोशी? नया आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इस ड्रीम होम के सफर पर कितनी सफरिंग है कौन देगा इसकी गारंटी, पर अपनों के अगल बगल के स्ट्रगल से ही तो बनती है होम शांति। ये बैकयार्ड पे इतना बड़ा एच क्यों है? हेलीपैड के लिए मम्मी। वेकेशन के लिए बाली जाना हो या डिवोशन के लिए बद्रीनाथ, टेक ऑफ बैकयार्ड से होगा। हॉटस्टार स्पेशल प्रेजेंट्स होम शांति, 6 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।